फिल्मफेयर 2024 में कई फिल्मों और सितारों का जलवा देखने को मिला। फिल्मफेयर अवार्ड्स में सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। इस मई का बॉलीवुड इवेंट में कार्तिक आर्यन, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और सारा अली खान जैसे कई सितारों ने गजब की डांस परफॉर्मेंस भी दी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुए इस इवेंट के बाद सेलेब्स अपने घर वापस लौट गए। इस दौरान कार्तिक आर्यन और सारा अली खान को एक साथ स्पॉट किया गया। मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर दोनों साथ में दिखाई दिए। इसके साथ ही साफ हुआ कि दोनों एक साथ ही वापस आए हैं। सामने आए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार्तिक आर्यन, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और सारा अली खान एक साथ नजर आ रहे हैं। सारा अली खान को गले लगाने के बाद कार्तिक आर्यन, करीना कपूर और करिश्मा कपूर को भी गले लगाते हैं और इसके बाद दोनों अलग अलग गाड़ियों में रवाना हो जाते हैं। इससे ठीक पहले सारा अली खान कार्तिक आर्यन को फ्लाइंग किस देती नजर आई हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है और कपल के फैंस दोनों को एक बार फिर साथ देखकर खुश हो गए हैं। कई फैन कयास लगा रहे हैं कि दोनों एक बार फिर साथ आ गए हैं। बता दें कि कार्तिक आर्यन और सारा अली खान ने लव आजकल 2 में एक साथ काम किया था। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और वो रिलेशनशिप में आ गए थे। दोनों का ये रिश्ता ज़्यादा चल नहीं पाया और ब्रेकअप हो गया। दोनों अपने इस रिश्ते को लेकर खुलकर बात भी कर चुके हैं। हाल ही में कॉफ़ी विद करण में करण जौहर ने सवाल का जवाब देते हुए सारा अली खान ने कार्तिक के जिक्र पर कहा था कि ब्रेकअप के बाद भी पार्टियों में मिलना और टकरा जाना आसान तो नहीं होता, लेकिन इस इंडस्ट्री में कोई किसी का ना लंबे समय तक दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। इसी एपिसोड के दौरान खुलासा हुआ था कि कार्तिक आर्यन को सारा अली खान और अनन्या पांडे दोनों ही डेट कर चुके हैं। वैसे सारा की इस बात से साफ हो गया कि कार्तिक आर्यन और सारा अली खान को प्रोफेशनल मुलाकातों और काम से कोई गुरेज नहीं है।